हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हुए ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 सेट डिस्कस कर चुके हैं और इसकी थ्योरी क्लासेस को भी कवर कर चुके हैं। सो आप इसके लिए इसके प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब की का उपयोग करते हैं तो क्या होता है। इसको हम सबसे पहले एमएस वर्ड पर समझ लेते हैं कि आखिरकार ये बात क्या की गई है। क्वेश्चन बेसिकली कहना ये चाहता है कि आपने एमएस वर्ड में एक टेबल बनाई, तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं और वो कह रहा है कि बीचों बीच, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि टेबल के बीचों बीच, तो टेबल ऐसी बननी चाहिए कि बीच के बीच कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम है जो बने, बीचों बीच बने एक कॉलम। तो यहाँ हम 3x3 की एक टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से 3x3 की हमने एक टेबल बना ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप बीच की जो सेल है या जो कॉलम है या जो स्पेस है उस पर जैसे ही आप आते हैं, ये बीचों बीच हम आ चुके हैं, उसके बाद कहा गया है कि जब आप शिफ्ट प्लस टैब इस की कमांड का उपयोग करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं शिफ्ट प्लस टैब की का उपयोग कर रहा हूँ, तो शिफ्ट प्लस टैब का जैसे ही मैं उपयोग कर रहा हूँ तो जैसे ही प्रेस किया मैंने, ये उसके पहले वाले जो सेल था या फिर जो कॉलम था उसमें पहुँच गया ये। अब फिर से मैं शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट की साइड जा रहा है, इससे पहले वाली जो सेल होती है उसकी तरफ ये पहुँच जाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, शिफ्ट प्लस टैब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया ये क्या हो चुका, अभी यहाँ पर बीचों बीच ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर। इसके बाद जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस टैब की यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये इससे पहले वाली सेल में आ चुका है, यानी कि इसका आंसर हमको अब पता हो चुका है। आंसर ये है कि जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब की का उपयोग करते हैं तो होता क्या है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि वर्तमान सेल के पास की राइट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि ये बात सही नहीं है, राइट में नहीं, वो लेफ्ट की ओर जा रहा है। सेकेंड में कहा गया है कि वर्तमान सेल के पहले की यानी लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही आप इस वाली कमांड का उपयोग करते हैं तो आप जिस वाली भी सेल में थे उससे पहले यानी लेफ्ट की ओर ये उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पर कहा गया वर्तमान सेल के कंटेंट को हटा देता है, जो कि गलत है, हमने देखा है उसके कंटेंट को नहीं हटाएगा ये। फोर्थ में ये है कि वर्तमान सेल से नीचे की सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लेगा, तो ये बात भी सही नहीं है, वो नीचे की ओर नहीं जाता है बल्कि लेफ्ट की ओर जाता है, लेफ्ट यानी पहले वाले में। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा। एमएस एक्सेल फार्मूले से संबंधित हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको करना ये है एमएस एक्सेल में जो भी कमांड आपके पास हो या फिर जो भी आपके पास यहाँ पर इक्वेशन दी हुई हो उनको मैथ के तरीके से सॉल्व करना है और वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर सम की बात की गई है, सम का मतलब होता है जोड़ना। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है इसको देखना यहाँ पे आप, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सम का मतलब होता है जोड़ना, तो 4 की पावर 3 और कॉमा लगा हुआ है 2 माइनस 2 अपॉन 2, कुछ इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कॉमा लगा है और आगे क्या लिखा हुआ है, सम लिखा है, सम लिखा है इसका मतलब इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 4 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2, अब अगर आप इसमें बॉड मास लगाते हैं तो ये 2 की पावर 2 इसको कैंसिल होगा क्योंकि सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो ये बचेगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1। इस तरीके से 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 65।
65 इसके लिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यही आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको एमएस एक्सेल में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो जो भी वहाँ पर बताया जाए इस तरीके से आपको करना है। सम अगर है तो उसको जोड़ देना है, एडिशन है तो जोड़ देना है, सब्ट्रैक्शन है तो उसको घटा देना है। अब बीच में अगर कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो साइन आपको उपयोग करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एम एस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए इनमें से आप किसका उपयोग करेंगे, कौन सी जो शॉर्टकट की है उसका आपको उपयोग करना होगा, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल पर चलते हैं। तो ये हमने एम एस एक्सेल ओपन कर लिया है और एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद उसमें कहा गया है कि आपको करना क्या है, नई लाइन को आपको बनाना है। क्वेश्चन में क्या है, नई लाइन। हाँ, नई लाइन बनाने के लिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो नई लाइन बनाने के लिए आपको इसके लिए जो की यूज़ करनी होगी वो होगी ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर, जैसे ही मैंने इस की को प्रेस किया, ऑल्ट प्लस एंटर, यहां पर ये देखिए ऑल्ट प्लस एंटर, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो एक लाइन, पूरी की पूरी लाइन यहां पर सेलेक्ट हो चुकी है। तो लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर इस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे तो आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस एंटर, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आईपी की अगर बात की जाए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस से संबंधित भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं, आगे पूरी संभावना है कि पूछे जाएंगे। तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आईपी एड्रेस को पूरे तरीके से कवर करेगा। जिस भी तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, यानी यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से ये पता करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट यानी कि जब आप एम एस वर्ड को ओपन करते हैं और उसमें ऑटोमेटिक जो भी सेट होता है उसकी बात की जा रही है, आपने पहले से सेटिंग के माध्यम से आपने कुछ भी सेट नहीं किया है, ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट तौर पर होता है उसकी बात की गई है। तो एम एस वर्ड में टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट की ओर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहाँ पर ये कही है कि एम एस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी क्यू जैसा आपको दिखाई देता है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस वजह से यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। इसको हम एम एस वर्ड पर समझ लेते हैं आखिरकार यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो ये हम यहाँ पर आ चुके हैं इस स्टेटमेंट में। तो आपसे ये कहा गया है कि जब भी आप एम एस वर्ड को देखते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ़्ट होता है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर अलाइनमेंट में हमने इसको रखा हुआ है और ये आपको लेफ़्ट साइड दिख रहा होगा, यानी कि जो भी आपके जो एम एस वर्ड में जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे या जो भी लाइन आप लिखेंगे टाइप करेंगे वो लेफ़्ट साइड से इसकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अब आप इसके अलाइनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, इसको बीचों बीच ला सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज कर रहा हूँ तो बीचों बीच आ गया, ये राइट साइड भी ला सकते हैं या फिर इसको फुल में रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, लेफ़्ट साइड होगा डिफ़ॉल्ट तौर पे। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया था कि जब आप एम एस वर्ड में पैराग्राफ को बनाते हैं तो पैराग्राफ को देखने के लिए आप क्या करते हैं, एक पी क्यू जैसा ऐसा सिंबल यूज़ कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पी क्यू वाले सिंबल पर क्लिक किया, आपने देखा भी होगा ये कुछ इस तरीके से होता है जो कि पी क्यू जैसा सिंबल दिखाई देता है, है ना, पी आपको दिख रहा होगा फिर क्यू उल्टा बना हुआ होगा इस तरीके से। तो ये क्या होता है, जब हम एम एस वर्ड में पैराग्राफ को बना रहे होते हैं तो उसमें हम इस सिंबल का यूज़ कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि पैराग्राफ हमने इसमें इतने पैराग्राफ बनाए हैं। बाद में हम इसको जब प्रिंट व्यू में लाते हैं या फिर व्यू सेक्शन में लाते हैं तो फिर इसको हम हाइड कर देते हैं, ये यहाँ से हाइड हो जाता है। देखिए इसको मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, फिर से क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, और जब मैं इस पर अगर पैराग्राफ बनाऊँगा तो इस पर क्लिक करके रखूँगा ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि यहाँ से ये पैराग्राफ इसके स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहा है। तो ये हर एक पैराग्राफ के लास्ट में आता है ये, तो ये यही बात यहाँ पर कही गई है
कि जो आप एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ बनाते हैं, तो उसमें पैराग्राफ मार्क के साथ उसमें उसको एंड किया जाता है। तो जो मार्क होता है वो एक बैकवर्ड पी क्यू जैसा सिंबल होता है। तो अभी हमने देखा जी, बिल्कुल पी क्यू जैसा सिंबल ही होता है ये। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमने देखा कि उसका जो अलाइनमेंट था वो कैसा था, लेफ्ट की ओर था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि किस डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो ईमेल के व्यंजक के मानक सेट जो होते हैं वो उसको इमोटिकॉन्स कहते हैं। इमोटिकॉन्स होते क्या हैं, जो इमोजी होती है ना उसी को इमोटिकॉन्स कहा जाता है, उसके ग्रुप को इमोटिकॉन्स कहा जाता है। जैसे आपने व्हाट्सएप या फिर कोई और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा तो उसमें इमोजी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही ईमेल में भी आप इस तरीके से इमोजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और उसको क्या कहते हैं, उस मानक सेट को, उस ग्रुप ऑफ को जहाँ पर इमोजीज़ होती हैं उनको इमोटिकॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एमएस वर्ड में सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो होता है वो 72 होता है। 72 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा 72 होता है और सबसे छोटा होता है वो 8 होता है। तो सबसे छोटे की भी ध्यान रखें, आगे कभी पूछ लिया जाए तो इसके ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और सबसे बड़ा यहाँ पूछा गया है तो 72 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन से होते हैं इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिएगा आपका ये क्या है, यहाँ पर फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज आप देख रहे हैं कहाँ पर है, ये आपके फॉन्ट वाले कमांड ग्रुप में है। ये कमांड ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप कितना होता है, जहाँ से मैं कर्सर चला रहा हूँ ये पूरा बॉक्स जो बन रहा है ना उसको हम कमांड ग्रुप कहते हैं। तो कमांड कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट वाला। और फॉन्ट में हमने फॉन्ट साइज पे देखा तो सबसे बड़ा हमें क्या दिख रहा है, 72 दिख रहा है। 72 ये आपको दिख रहा है ना, ये 72 सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो कितना होता है, 8 होता है। सबसे छोटा 8 होता है। और कौन कौन से होते हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जा सकते हैं इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का फॉन्ट साइज नहीं होता है, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ। तो इसमें देखिए आपका 8 होता है, 9 होता है, 10, 11, 12। तो 8 से लेके 12 तक तो ये कंटिन्यू होते हैं, उसके बाद फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा, फिर 22 होगा, फिर 24 होगा, 26 होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको दो दो के ग्रुप गैप के बाद यहाँ पर 26 और 28 तक दिखेंगे। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो 28 तक ये हो गया, फिर उसके बाद 36, 48 और 72। तो यहाँ से आपके ये क्या है, फॉन्ट साइज होते हैं। सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो वो 8 होगा, और सबसे बड़ा पूछा गया है तो वो 72 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 72 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर की ओर चलते हैं। क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ये होगा, कंट्रोल प्लस जीरो। कंट्रोल प्लस जीरो जब आप इस शॉर्टकट की कमांड का उपयोग करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में आपने डिफॉल्ट पहले से कुछ सेट कर रखा होगा उसका जूम फीचर जो है, या तो उसको आपने जूम आउट कर लिया होगा या जूम इन कर लिया होगा। जूम आउट का मतलब आपने उसको 100% से ज़्यादा कर दिया होगा, जूम इन का मतलब 100% से कम कर दिया होगा। तो फिर उसको रीसेट करना है आपको, रीसेट का मतलब उसको 100% पे लाना है। तो आपको किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा, शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस जीरो। आइए इसको यहाँ पर हम इसको एमएस सॉरी इस ब्राउज़र पर देख लेते हैं। ये आपका ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब ब्राउज़र में मैंने क्या किया, ये अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर 100% में है। ये देख रहे होंगे आप, जूम में मैंने 100% डिफ़ॉल्ट तौर पर होता ही है, लेकिन मैंने इसको सेट कर लिया है, जूम आउट कर जूम इन कर लिया है। जूम इन करने पर मैंने इसको 75% कर लिया है, ठीक है। 75% किया तो ये पूरा छोटा हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो यूज़ करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे जो 100% होता है वो आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल प्लस जीरो यूज़ किया तो आपने देखा ये 100% पे फिर से रीसेट हो गया है, ठीक है। अभी कितना आया था, 75% था, 75 से 100% हो गया। इसी प्रकार से मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर ये इसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है, और मैंने जूम आउट करके इसको 150% पे कर लिया है। अब मैं फिर से इसमें कंट्रोल प्लस जीरो यूज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सेट होते हुए 100% पे आ जाएगा। क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है कि जब आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपने
सेटिंग है उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, जूम फीचर सेट करते हैं आप, रीसेट करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे आपको लाने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करना होगा, और कमांड होगी कंट्रोल प्लस जीरो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है एमएस एक्सेल वर्कशीट में सातवीं पंक्ति और दसवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। अब आपको इसमें आपकी जो एमएस एक्सेल सीट है उसमें आपको पंक्ति पता होना चाहिए। तो पंक्ति आपको बताया हुआ है कि जैसे इस तरीके से हम कोई एक एमएस एक्सेल बना लेते हैं सीट, या आपकी एक मान लीजिएगा एमएस एक्सेल सीट बन चुकी है, टू यहाँ पर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरीके से हमने एक एमएस एक्सेल सीट को बना लिया है यहाँ पर। चार फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और ये यहाँ पर मान लीजिएगा हमने इस तरीके से एक एम एस एक्सेल सीट को बनाया हुआ है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम क्या, पंक्ति, यानी कि रॉ। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस पूरे जो एक बॉक्स जैसा बना हुआ होता है उसमें सेल होते हैं उसको कहते हैं कॉलम। जो आपकी पंक्ति होती है ना वो किस तरीके से डिनोट की जाती है, उसको डिनोट किया जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, इस तरीके से पंक्ति को डिनोट किया जाता है। जबकि कॉलम जो होता है उसको डिनोट किया जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हैं कॉलम को अल्फाबेटिकल तौर पे, और जो आपकी पंक्ति होती हैं उनको डिनोट किया जाता है न्यूमेरिकल तौर पे। ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो रॉ हैं उनको किससे डिनोट किया है, नंबर्स से। जो कॉलम है उनको किससे डिनोट किया जाता है, अल्फ़ाबेट यानी कि ए बी सी डी, इस तरीके से। तो यहाँ पर कहा गया है कि सातवीं पंक्ति, सातवीं पंक्ति कौन सी होगी, ये वाली होगी, यहाँ होगी ना, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तभी ये सातवीं पंक्ति होगी। तो सातवीं पंक्ति ये हो गई, और दसवां स्तंभ, तो दसवां स्तंभ आपने काउंट किया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दसवां यानी कि जे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो एक दो इस तरीके से नीचे आते आते यहाँ ये वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसका एड्रेस पूछा गया है, तो इसका एड्रेस होगा जे सेवन। यहाँ पर हम एम एस एक्सेल में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये हम आ चुके हैं एम एस एक्सेल पर। अब देखो एम एस एक्सेल पर आने पर आपने देखा होगा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से नंबर्स वाली जो वैल्यू है ना वो कहलाती हैं रॉ यानी कि पंक्तियाँ, और इनको कैसे देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। और जो कॉलम है ना उनको ए बी सी डी अल्फाबेटिकल तौर पे कॉलम को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले कहा गया था क्वेश्चन में कि सातवीं पंक्ति, तो यहाँ पर हम करेंगे सातवीं पंक्ति यानी ये सेवन वाली कॉलम पे, सॉरी रो पे आ चुके हैं। इसके बाद कहा था कि दसवां कॉलम, तो दसवां कॉलम काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दसवां यानी जे, और यहाँ पर ये सात, ये वाला सात। तो इसका एड्रेस पूछा गया कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा। तो आप अगर इसको नेम बॉक्स में देखेंगे तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, जे सेवन, ये देखिए आपको जे सेवन दिख रहा होगा। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपने एम एस एक्सेल वर्कशीट है उसमें सातवीं पंक्ति और दसवें सेल के प्रतिच्छेदन बिंदु, जो बीचों बीच सेल आएगा उसका एड्रेस क्या होगा, तो उसका एड्रेस होगा जे सेवन। ठीक है, जे सेवन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या फिर संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। तो ऐसे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से जो हम फीचर यूज करते हैं उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट इस फीचर को कहते हैं। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो एम एस वर्ड पर चलते हैं, एम एस वर्ड में यहाँ पर हमने एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। अब मान लीजिएगा इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से देखने में समझ आए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिएगा कुछ भी हमने टाइप कर लिया है, मैंने अपना नेम ही यहाँ पर टाइप कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस के नीचे कुछ और वर्ड या फिर नंबर्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करना होगा हमें क्या, सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना,
यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक कर लेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे वो सब स्क्रिप्ट तौर पे आएगा। जैसे मैं नंबर्स लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, तो ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, यानी इसके नीचे ही आएगा, सब स्क्रिप्ट तौर पर नीचे की ओर आएगा। या फिर कुछ भी और लिखूँगा, ABCD इस तरीके से, तो ये आपका होता है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखना शुरू करूँ तो ये ऊपर की ओर आने लगा है। कोई भी आपने वर्ड लिखा उसके ऊपर इस तरीके से, जैसे हमने फर्स्ट लिखा, मान लीजिएगा समझते हैं इस बात को, जैसे मैंने फर्स्ट लिखना चाहा तो फर्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके ST लगा दूंगा, तो ये बन चुका है फर्स्ट। तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। ऊपर अगर जाए तो उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, नीचे अगर लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये दोनों आपसे आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप नंबर भी लिख सकते हैं, आप कोई और वर्ड लेटर भी लिख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के तौर पे। और एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वाले को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसके बीचों बीच लाइन खिंच जाएगी। इसको यहाँ पर जो भी अगर आप लिखेंगे उसके बीचों बीच क्या हो जाएगी, लाइन खिंचेगी। ये मैं इसको जो आपका यहाँ पर ये फीचर है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, इसको मैंने मतलब यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ जैसे कि, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बीचों बीच एक लाइन आ रही है, उसको कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ चुके होंगे कि ये तीनों चीज़ें आखिरकार क्या होती हैं। सब स्क्रिप्ट होता है जब हम नीचे लिखना चाहते हैं, यानी कि रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम फीचर यूज करते हैं वो सब स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट लिखना चाहूँ तो फर्स्ट के ऊपर ST लिखा जाता है ना, इस तरीके से ST। सेकेंड लिखना चाहूँ तो सेकेंड के ऊपर ST लिखा जाता है। तो ये फीचर जो होता है ना, उसको सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे इनेबल किया जाता है, सब स्क्रिप्ट के तौर पे नीचे होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, वो आपको अभी बताया है कि बीचों बीच एक लाइन खींचने लगेगी। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं मान लो इस तरीके से हेलो लिखता हूँ तो बीचों बीच इस तरीके से लाइन आ जाएगी, उसको कहते हैं हम क्या, स्ट्राइक थ्रू। तो ये आपके हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।